हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू वीरोनिका लाइफस्टाइल। मेरा नाम है सोनाली सक्सेना एंड इस चैनल पर मैं फैशन रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड आउटफिट। सो आज की इस वीडियो में मैं कुछ आउटफिट स्टाइल करके दिखाऊंगी जो कि पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है। पिंटरेस्ट मैं देखती रहती हूँ एंड बहुत सारे ऐसे आउटफिट होते हैं जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं एंड मैं उनको यू नो स्टाइल करना चाहती हूँ, उस तरह के लुक्स क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैंने वही किया है यहाँ पर। और आज मैं कुछ यूनिक लग रही होंगी बिकॉज मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा सा अलग है। पता है, मेरे जो बाल है ना वो आधे हो गए हैं लिटरली। मैं रोज स्ट्रेट करती हूँ अपने बालों को डेली बेसिस पर, और स्ट्रेट कर करके मेरे जो बाल है ना वो लिटरली उनकी लंका लग चुकी है। और इतना सुनने को मिल रहा है ना मेरी मम्मी से, और अब मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है एक्चुअली। सो मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं अपने बालों को स्ट्रेट नहीं करूँगी, नहीं करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज मेरे को इतनी गंदी हैबिट हो गई है ना। लाइक मैं स्ट्रेट नहीं करती ना तो मुझे ऐसा होता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, और कहीं जा रही हूँ तो फिर तो मेरे साथ चल जाता है, लेकिन वीडियोज़ के लिए ऐसा लगता है कि स्ट्रेट करना बहुत कंपलसरी है। अगर मैंने स्ट्रेट नहीं किया ना तो मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, मैं अच्छी नहीं लगूँगी। मुझे पता नहीं मेरी गलतफहमी है या सच्चाई है, क्योंकि पता नहीं बाल ऐसे मतलब टेढ़े मेढ़े से मुझे अच्छे नहीं लगते। या तो बिल्कुल ही यार कर्ली हेयर हो, नहीं तो फिर स्ट्रेट हेयर हो, जो जो बीच के बाल होते हैं ना, क्या बताऊँ मैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी मैंने आज जो है कोशिश करी है थोड़ा सा हेयर स्टाइल करने की, बट ये भी आज मैंने वॉश किया है तो थोड़ा सा बेटर लग रहे हैं आई थिंक। बट एक दो दिन के बाद इतने गंदे लगेंगे ना कि मैं इनको लाइक ऐसे ओपन हेयर करने के बारे में सोच ही नहीं सकती। तो मुझे कुछ हेयर स्टाइल सर्च करने पड़ेंगे जो जिनमें मैं अच्छी लगूँ। खैर, बहुत फालतू बकवास कर ली, अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो गाइस, यहाँ पर जो फर्स्ट लुक मैंने क्रिएट किया है वो मैंने किया है ये वाला। सारी पिक्चर्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। सो सबसे पहला जो लुक है वो ये वाला लुक है। यहाँ पर इसने एक लाइक यू नो लूज पैंट पहनी है वाइट कलर का, अंदर कुछ तो इनर पहना है, आई डोंट नो, आई थिंक टी शर्ट है। सो और साथ में लेदर जैकेट वेयर की है, वाइट शूज़ हैं, गॉगल्स रहे हैं। सो बहुत ही मुझे बहुत प्यारा लग रहा था एंड विंटर सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। सो आप इस तरह का लुक डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो इस विंटर सीजन में। एंड मैंने यहाँ पर जो है वाइट कलर की, मैंने ना ये अभी थोड़ी टाइम पहले बेसिक लिया था अर्बैनिक से, सो वो मैंने वेयर की है, बहुत ही मस्त है, जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल है। एंड इसके साथ मैंने जो है लूज फिट वाली जो यू नो पैंट्स पहनी वो भी अर्बैनिक है। इनफैक्ट ये कहूँगी कि पूरे का पूरा लुक ही अर्बैनिक का है, क्योंकि लेदर जैकेट भी अर्बैनिक की है। सो पूरे का पूरा मैंने अर्बैनिक के ही यू नो आउटफिट वेयर किए हैं पूरे के पूरे लुक के लिए। बट मेरे जो शूज़ हैं वो नाइक के हैं, और गॉगल्स ऐसे ही लोकल हैं जो मैंने ऐसे ही चलते फिरते किसी मार्केट से ले लिए थे, आई थिंक मैंने रजौरी गार्डन से लिए थे। सो पूरा का पूरा जो लुक आया है वो बहुत बहुत प्यारा आया है, और आप भी इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हो एंड बहुत ही मस्त है, विंटर सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। सो मैंने कोशिश ना यही की है कि जितने भी मैं लुक क्रिएट कर रही हूँ वो विंटर सीजन से यू नो कनेक्टेड हो, ताकि इस सीज़न में आप लोगों के काम आ पाए वो, और आप लोग भी क्रिएट कर पाओ लुक्स को। तो अब बात करते हैं गाइस सेकेंड लुक के बारे में। सो गाइस, सेकंड जो लुक है वो बहुत 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 ज़्यादा सेक्सी है, यू कैन सी दैट। सो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और मैं बहुत टाइम से यू नो इस पिक्चर को डाउनलोड करके बैठी थी कि मैं कभी तो ऐसा लुक क्रिएट करूँगी डेफिनेटली। सो फाइनली मैंने ऐसा लुक क्रिएट किया। सो मेरे पास सेम टू सेम तो नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक मिलती जुलती ऐसी स्कर्ट थी जो कि मैंने सरोजनी नगर से ली थी काफ़ी टाइम पहले वुलन में, और मैंने इस स्कर्ट को स्टाइल किया है। और साथ ही मैंने ब्लैक कलर जो मैंने वाइट कलर का पहना था सेम कॉपी वही अर्बैनिक का मैंने ब्लैक कलर में भी लिया हुआ था, तो मैंने ब्लैक कलर का टॉप वेयर किया है क्रॉप में है जो कि, और साथ ही मैंने अगेन वही अपनी लेदर जैकेट वेयर किया जो कि सेम अर्बैनिक की ही है, और साथ ही मैंने बैग लिया है जो कि मीशो से है। सो ये लुक भी गाइस इतना मस्त लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और साथ ही मैंने जो है लाइक आप जो है लेगिंग्स भी वेयर कर सकते हैं, इससे आप ठंड से भी बचोगे एंड साथ ही साथ स्टाइलिश भी लगोगे। सो यहाँ पर मैंने ट्विल अराउंड वर्ल्ड की लेगिंग्स वेयर की है जो कि फ्लीस में है एंड
बहुत ही कंफर्टेबल है एंड साथ ही आपको वार्म है तो आपको यू नो ठंड से भी बचाएगी, तो काफ़ी अच्छा लुक है ये भी और पूरा लुक बहुत अच्छा है, वार्म है एंड साथ ही साथ गाइस मैंने यहाँ पर शूज़ भी वेयर किए हैं जो कि मीशो से हैं, तो ये पूरा का पूरा लुक आप इस तरीके से यू नो क्रिएट कर सकते हो। और ये वाला लुक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट्स में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप अगर नहीं मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर तो फटाफट से जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे जितने भी स्टाइलिंग वीडियोज़ होते हैं वो आते ही रहते हैं और वहाँ से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, तो फटाफट से जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। सो अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट लुक के बारे में। सो नेक्स्ट लुक है गाइज वो है ये वाला। सो गाइज ये जो लुक है ना ये बहुत ही ज़्यादा यू नो कोजी कंफर्टेबल एंड ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट यू नो मतलब फॉर्मल वाली पूरी वाइब आ रही है। सो मुझे ये वाला लुक बहुत बहुत प्यारा लगा। एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हमने डेनिम का यूज़ किया एंड काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जिन्हें डेनिम बहुत पसंद होती है और वाइट डेनिम है जो कि इस टाइम ट्रेंड में भी है। सो आप वाइट लेग जीन्स वियर करो, हाई नेक वियर करो एंड साथ में एक यू नो लॉन्ग कोट वियर करो जिसे हम ट्रेंच कोट भी बोलते हैं। और ये जो कोट मैंने इसमें वियर किया हुआ है ये कोट मैंने लिया था सरोजनी नगर से और हाई नेक जो है वो मेरी मिंत्रा से है, जींस जो है वो मेरी H&M से है। तो इस तरीके से यू नो आप पूरा का पूरा लुक क्रिएट कर सकते हो एंड ये जो लुक है गाइस ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो वाइट शूज वेयर किए हैं गाइस वो मैंने वेयर किए हैं नाइक के, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ। एंड साथ ही मैंने एक बैग लिया है जो कि न्यूड कलर का है, ये H&M का है। सो जितने भी लिंक्स रहेंगे ना गाइस जितने भी आउटफिट के लिए मैं यू नो स्टाइल कर रही हूँ वो सारे के सारे आउटफिट बैग शूज सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लेना। सो इसके बाद जो नेक्स्ट लुक है गाइज वो लाइक कोरियन गर्ल से इंस्पायर्ड है और मैंने एक कोरियन गर्ल को एक जैकेट वेयर की हुए देखा था पिंटरेस्ट पर एंड मुझे याद आया ऐसा सेम टू सेम जैकेट तो मेरे पास भी है, तो क्यों ना इस लुक को भी क्रिएट करते हैं। सो वो जो लुक है गाइज वो ये वाला लुक है एंड ये बहुत बहुत मस्त लग रहा था और सेम टू सेम ऐसा जैकेट अभी कुछ दिन पहले मैंने मीशो से परचेज किया था। अगर आपने वो वाला मेरा हॉल नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर यू नो लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे आउटफिट है जो यू नो पिंटरेस्ट से इंस्पायर्ड हो करके लिए थे, तो आप डेफिनेटली उन आइटम्स को परचेज कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इस लुक के बारे में। सो इसके लिए गाइज मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की वही टी शर्ट वेयर की है जो मैं अभी तक वेयर करती आ रही हूँ अर्बैनिक की, और साथ में मैंने ये वाला जैकेट वेयर किया जो कि मीशो से है। और स्कर्ट की बात करूँ तो ये भी मैंने बहुत टाइम पहले अर्बैनिक से ली थी, बट इसका तो लिंक आई थिंक मिलेगा नहीं, बट रिकमेंडेशन में मैं सेम ऐसी ही स्कर्ट का लिंक दे दूँगी डेफिनेटली। और ये जो लुक है गाइज ये भी इतना मस्त लग रहा था, साथ ही गाइज मैंने यहाँ पर बूट्स वेयर किए, यू कैन सी दैट अगर आपने नोटिस किया हो तो उस पिक्चर में उस गर्ल ने भी यू नो ब्लैक कलर के बूट्स ही वेयर किए। सो मैंने ब्लैक कलर के बूट्स वेयर किए एंड जो फुल लुक है गाइज वो इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही यू नो कोरियन वाइब पूरी ही आ रही है इस वाली जैकेट में। सो आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हो और ये वाली जैकेट आपको आराम से मीशो पर मिल जाएगी और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अस्थेटिक, बहुत ही क्यूट लुक है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट लुक के बारे में। सो नेक्स्ट लुक जो है गाइज वो है ये वाला। सो गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट लुक मैंने क्रिएट किया है वो मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है एंड इसमें जो गर्ल है गाइज वो इतनी क्यूट लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। और यहाँ पर उन्होंने जो है स्वेटर वेयर किया है वाइट कलर का एंड साथ में ब्लैक कलर की स्कर्ट वेयर की है। सो मेरा जो स्वेटर है वो भी मैंने कुछ दिन पहले एक हॉल किया था अर्बैनिक का, सो उसमें मैंने जो है पूरी डिटेल में बता रखा है, वहाँ जाके देख सकते हैं। सो उस स्वेटर को मैंने वियर किया है और ये स्वेटर अर्बैनिक से है, साथ में मैंने स्कर्ट वियर की है ब्लैक कलर की जो कि थोड़ी सी यू थोड़ी नहीं बहुत फ्लेयर्ड है और शॉर्ट भी है। सो ये जो स्कर्ट है वो अमेजोन से मैंने परचेज की थी आई थिंक 2 साल पहले, बट अभी भी वहाँ पर मिलती है तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो ये वाली स्कर्ट। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है वाइट कलर के सॉक्स वेयर किए हैं जो कि एडी के हैं एंड यहाँ पर मैंने जो है शूज़ भी वेयर किए जो कि लोफर शूज़ है, बिकॉज मेरे पास इस तरह की हील्स नहीं थी जैसी उस पिक्चर में गर्ल ने वेयर की है, तो मैंने यहाँ पर जो है ब्लैक कलर के शूज़ वेयर कर लिए एंड ब्लैक कलर का बैग भी है एंड बहुत अच्छा लुक निकल करके आया, बहुत प्यारा लग रहा है जबकि मैंने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से भी यू नो
ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये भी मुझे काफ़ी हद तक यू नो कोरियन वाइब दे रहा था, तो आप इस तरह का लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके बाद जो मैंने लुक क्रिएट किया ये थोड़ा सा अतरंगी लगा मुझे, बिकॉज कलर कॉम्बिनेशन थोड़े से इधर उधर अजीब से हो रखे हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लुक दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला लुक है, जिसमें ब्लेज़र एंड ब्राउन पैंट्स वेयर की गई हैं। सो मैंने भी इसी तरह का लुक क्रिएट किया था, मैंने ब्लेज़र वेयर किया है। थैंक गॉड कि मेरे पास सेम टू सेम ब्लेज़र भी था एंड सेम टू सेम मेरे पास पैंट्स भी थी वाइड में। सो मैंने ये दोनों चीज़ें वेयर की है। मेरी जो पैंट है यू नो जीन्स है, ये मेरी H&M की है, एंड ऊपर का जो ब्लेज़र है वो अर्बेनिक का है और लास्ट ईयर मैंने लिया था। सो इसके अलावा मैंने यहाँ पर शूज़ वेयर किए हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है, जो कि मुझे थोड़े से यू नो अलग टाइप के लगे। वैसे सही लग रहे, इतने बुरे भी नहीं लग रहे, बट मुझे थोड़े से अतरंगी लगे। और साथ में ब्लैक बैग लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आई थिंक बेज कलर में अगर होती दोनों चीज़ें तो ज़्यादा बेटर लगता, बट ठीक है, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, इतना बुरा भी नहीं था। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये चीज़, ये वाला लुक कैसा लगा, एंड आपके हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है या फिर अगर हम बेज फुटवेयर एंड बैग लेंगे वो ज़्यादा बेटर लगेगा। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट लुक के बारे में। सो गाइज ये जो लुक है ना गाइज, ये मेरा इतना इतना ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आ रहा था और जब मैंने क्रिएट किया तो रियली बहुत अच्छा लग रहा था। इस लुक के लिए गाइज मैंने यहाँ पर हाई नेक वेयर किया, जो कि ऐसे ही सरोनी नगर के लिए, बट आप चाहे तो मतलब कोई भी हाई नेक वेयर कर सकते हैं, हाई नेक तो आपके पास होगी ही, नहीं है तो मैं एक हाई नेक बहुत अच्छी है जो मैं रिकमेंडेशन में डाल दूंगी, मैंने मिंत्रा से ली थी एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो आप डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही गाइज मैंने यहाँ पर लेदर जैकेट वेयर की है, स्लिट वाली स्कर्ट वेयर की है, और ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले अर्बेनिक से ली थी, तो आई डोंट मिलेगी नहीं, बट हाँ सेम इसी तरह की स्कर्ट और भी बहुत सारी वेबसाइट पर मिलती है, सो वो भी मैं रिकमेंडेशन में दे दूंगी आपको। एंड इसके अलावा गाइज मैंने यहाँ पर बैग लिया है मीशो का, और साथ ही मैंने बूट्स वेयर किए जो कि अभी रिसेंटली मैंने लिए थे मिंत्रा से, और इसमें बहुत बहुत प्यारा लुक निकल करके आया, जितनी कि मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। सो बहुत प्यारा लुक है, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बताओ। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। सो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज़।